पूरा टायर का डस्ट निकल रहा है वहाँ पे, कितना मस्त, मतलब पूरा एकदम मस्त सर्विसिंग कर रहे भैया एकदम। भाई एक नंबर सर्विसिंग हो गया, गाड़ी में कितनी प्यारी लग रही। सुबह जब सो के उठे और आज काफी लेट हो गया, मतलब उठने में 12 बज गया उस शो को उठने में, क्योंकि रात में यूट्यूब का जो सर्वे आया था ना वो भर रहे थे। और मतलब ऐसा था उसमें क्वेश्चंस थे ना कि मैं वो क्या बताऊं, मतलब पूछा था कि लास्ट ईयर में आपका अर्निंग क्या है, अरे आज तक यूट्यूब ने पैसे नहीं दिया तो अर्निंग क्या भरेंगे, तो हो सकता आगे अगर आएगा तो आगे में ये चीज भर सकते, बट अभी नहीं तो अभी देखते हैं यहाँ पे। अरे बाप रे धूप निकला है, कल रात भर बारिश हुआ और चंदन भी यहाँ पे, चंदन कहाँ भाग रहा है यार, आज चंदन ने पूरा कपड़ा धो लिया था, ये देखें पूरा यहाँ पे कपड़ा धो के सुखाया है यहाँ पे, और चंदन वहाँ पे शरमा के भाग रहा है और रॉकी यहाँ पे बर्तन धो रहा है यहाँ पे, और मौसम कैसा अच्छा किया है। और अभी क्या है ना बहुत सारा अभी काम है, तो अभी सबसे पहले जाना बाइक की सर्विसिंग कराना है, क्योंकि ना अभी एक महीने से सर्विसिंग नहीं करवाया उसका, जो है ना किलोमीटर जो ना ज़्यादा हो गया जितना चलाना चाहिए था, तो सर्विसिंग करा ली, क्योंकि कल ना बाइक ना अचानक बंद हो गई थी तो मेरा दिल धकधकाने लगा था, क्योंकि बाइक अगर बंद हो जाएगी तो क्या करेंगे, को भाई तो अपना आधा जान जो है ना बाइक में ही बसता है, तो हम इस चक्कर में हम जा रहे सबसे पहले सर्विसिंग करा लेंगे और वहाँ पर गाड़ी चक चक हो जाएगी, फिर उसके बाद क्या ना राखी आने वाला, तो राखी में क्या ना कि मुंबई भी जाना है तो सारा चीज़ें भी करना है सब, और स्लीपर वगैरह मतलब सब चीज़ शॉपिंग वगैरह भी बहुत सारा चीज़ें ना खरीदना है, तो इसी के लिए करना है अभी। तो अभी हम फटाफट मुँह हाथ धो लेते हैं और हम जाते हैं बाइक सर्विसिंग के लिए। नीचे आ गए, अब हमको अपनी बाइक निकालनी पड़ेगी, बाइक आपको दिखाते हैं किस तरह से लगी हुई रहती है, और इसको निकालने में बहुत मेहनत लगता है, ये देखिए यहाँ पे लगी हुई है, और अभी मतलब यहाँ पे ऐसे लगती है बट यहाँ पे किसी ने घसका दिया है, और यहाँ से फिर निकालना पड़ता है, तो गेट बहुत पतला है इससे निकालना पड़ता है, और इसको जो घुमाने में ना बहुत टाइम लगता है, क्योंकि बहुत लंबा स्पेस यहाँ पे लगता है जैसे घुमाने में, तो हम जल्दी से हम गाड़ी निकाल लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। हम बाइक निकाल लिए, अब फटाफट अब निकलते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट कितना टाइम हो गया आपको दिखाते हैं, टाइम तो यहीं से हम देख लेते हैं बाइक में कितना टाइम हो रहा है, 1:12 हो रहा है और 12 बजे उठे थे तो अभी हम निकल रहे हैं। सो गाइस आ गए सुजुकी का शोरूम पे, और ये देखिए सुजुकी खंडवाल, अभी मतलब बहुत लंबा लाइन लगा हुआ है तो वेट करना पड़ रहा है, जो सौरभ सर है उनसे बात करेंगे ताकि थोड़ा सा गाड़ी जल्दी सर्विस हो जाए, जिससे क्या होना जल्दी जाए पे, क्योंकि बहुत सारा काम पेंडिंग है, नहीं तो अगर नहीं घर बोलेंगे तो फिर क्या होगा ना कि सुबह मतलब शाम हो जाएगा, 5-6 लग जाएंगे, तो कंपनी अंदर में उनका वेट करो, जैसे वो आएंगे ना तो फिर उनको दे देंगे, तो गाड़ी का जल्दी से सर्विस हो जाएगा, तो फिर आपको हम दिखाते हैं अंदर में जाके किस तरह सर्विसिंग वगैरह हो रहा है, सारा चीज़ सर्विस के लिए आप बैठे हुए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बाकी जो बाइक्स है वो धुली नहीं है, तो मेरा बाइक धुलने में टाइम लग रहा है, तब तक यहाँ बैठे हैं मस्त, यहाँ बैठने का बना हुआ है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे बैठ कर वेट कर सकते हैं, उधर जो पार्ट है वो सर्विस एरिया है, तो अभी उसी में बैठे हुए हैं वेट करते हैं, देखते हैं कब तक टाइम लगेगा, क्योंकि अभी लंच टाइम भी चल रहा था, तो उम्मीद है कि जल्दी से मेरा बाइक सर्विस हो जाएगा और ताकि हम यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि जल्दी जाना भी है हमको दूसरी जगह भी, तो जल्दी से करवाते हैं यहाँ से फिर। भाई मेरी बाइक वहाँ पे लगी हुई है, अभी कितना लंबा लाइन है, वेट करना पड़ रहा है। सो गाइस अपनी गाड़ी जो यहाँ पे लग गई है देख लीजिए, यहाँ पे सर्विसिंग स्टार्ट हो गया है, और इसके लिए क्या डबल स्टैंड लगता है, क्योंकि इसमें साइड स्टैंड दिया हो रहा था, तो इसमें ये वाला स्टैंड जो है इसमें लगाना पड़ा तभी सर्विस हो पाता है, एकदम धुल गई है, चकचक हो रही, एकदम नई लग रही गाड़ी यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अभी ऑयल वगैरह चेंज होगा, तभी ऑयल आएंगे तो ऑयल चेंज होगा, इसमें देखेंगे और क्या क्या इसमें है, अभी तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि अभी पूरा गाड़ी न्यू है तो इसमें ज़्यादा कुछ काम भी नहीं है, तो ऑयल चेंज होगा, ऑयल फिल्टर वगैरह चेंज होगा, और इसमें जो इसका चैन वगैरह है ना उसमें सारा चीज़ इसमें ल्यूब वगैरह होगा, तो इसमें और स्मूथ गाड़ी हो जाएगा, क्योंकि अभी इसको हो सकता है कि लंबे राइड के लिए हमको लेके जाना पड़े, मुंबई जाने का चल रहा, तो उसके लिए सर्विसिंग करवाना पड़ रहा है। ये देखिए चैन क्लीन हो रहा है, एक नंबर क्लीन हो जाएगा, फिर मज़ा आ जाएगा चलाने में गाड़ी, क्योंकि मेन क्या होता है चैन का आवाज़ जो होता है ना वो सबसे मतलब ज़रूरी है, चैन का ध्यान रखना, क्योंकि क्या ना चैन यहाँ ओपन है, अगर क्लोज चैन रहता ना तो दिक्कत नहीं होता, ओपन चैन में ना डस्ट को बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है, तो इसको टाइम टाइम पर क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। पहले चैन क्लीनर डाला, अब उसके बाद चैन ल्यूब, चैन ल्यूब डालने के बाद पूरा चैन स्मूथ हो जाता है, अब थोड़ा सा चैन अच्छा दिख रहा, साफ सुथरा है। चैन थोड़ा शाइन मार रहा है, ये आपको दिख रहा होगा वहां पे चमक रहा है वहां पे, टायर का डस्ट निकल रहा है वहाँ पे, कितना मस्त, मतलब पूरा एकदम मस्त सर्विसिंग कर रहे भैया, एकदम फुल ऐसा लग रहा है कि गाड़ी एकदम नया हो गया एकदम, ये देखें फुल नया एकदम लग रहा है, अब इसके बाद चलाएंगे तो नई वाली गाड़ी चलाने का फीलिंग आएगा एकदम यहाँ से।
लाइट तो भाई इसका शानदार है इसका। वो चैन का साउंड आता था बट अब जैसा भैया ने कर दिया इतना चकचका दिया ना, मतलब इतना मतलब अच्छा हो गया कि अब यहाँ से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रहा, मतलब मस्त मजा आएगा अब चलाने में यार। और इसके पहले क्यों चला रहे थे ना तो मतलब बहुत ज़्यादा चैन का आवाज़ आ रहा था, अब वैसा आवाज़ नहीं आ रहा है। यहाँ पे तुमने टर्न करके भी देख लिया, सारा चीज़ अच्छा हो गया यहाँ पे। भैया चेक कर रहे हैं कि कहीं पे कुछ मतलब गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि सब सही साट होना चाहिए, क्योंकि टायर का सवाल है और बाइक का, क्यों चलाते हैं ना, अगर सब चीज़ अगर सही नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत होगा। इसलिए सारा चीज़ ना भैया सेफ्टी से चेक करके देते हैं, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो सब चीज़ अच्छा है, वेल एंड गुड। लोग बाकी यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि खंडवाल सुजुकी में मतलब सर्विसिंग कैसा होता है, आप इस गाड़ी का से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अच्छे से मतलब सर्विसिंग किया जाता है और बारीकी से सर्विसिंग किया जाता है कि मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और कोई भी परेशानी आपको नहीं होगा। ये वाला क्या खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया क्या? डिस्पैड है ना, नहीं डलवाना पड़ रहा, नहीं तो ना ब्रेकिंग में बहुत दिक्कत होता, क्योंकि ब्रेक और टायर है ना बाइक के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कहीं रोड वोड पे चलाते हैं। इसलिए नहीं ये हम चेंज करवा ले रहे टाइम पे, कि नहीं तो थोड़ा टाइम के बाद क्या होता ना मेरा डिस्क जो ना वो डिस्क भी खराब हो जाती है। अच्छा वो भैया ने बता दिया इसको हम समय पे चेंज करवा ले इसको भी हम। ये पुराना वाला है जो डिस्पैड है और ये नया वाला, दोनों का आप देख सकते हैं। इसमें जो है ना ये पूरा खत्म हो गया और ये देखिए अभी है ना मोटा है यहाँ पे। एक चीज़ है कि ये वाला गाड़ी में ना कंट्रोलिंग इसके अच्छा है, चल हाँ एबीएस है ना, जब चलती है ना तो अच्छी कंट्रोलिंग रहती है इसमें। ये गाड़ी नीचे उतर रही है, एक नंबर, अपना गाड़ी का काम हो गया सारा काम, मस्त लग रही है। अब गाड़ी नीचे उतर गई है, अब यहाँ से भैया देख रहे हैं। ये एयर फिल्टर इसका भैया निकाले, अब इसका क्लीन करेंगे। एयर फिल्टर तो भी सही है, 10,000 रुपये ना, 10,000 किलोमीटर पे एयर फिल्टर जो है ना वो चेंज कर देते हैं। अभी तो 5,500 चला हुआ, अभी ज़्यादा नहीं चला अभी मेरी गाड़ी में। यहाँ पे क्लच वगैरह का देख रहे, ये भी ज़रूरी है, तो पानी भर जाता है ना कभी कभी, तो क्या होता है उसको क्लीन करना ज़रूरी होता है, नहीं तो बाद में दिक्कत देता है, तो उसका भी क्लीनिंग चल रहा है। भाई एक नंबर सर्विसिंग हो गया, गाड़ी में कितनी प्यारी लग रही है, और देखिए इसका बैक से भी लुक और इसका टेललाइट वगैरह ना कितना मस्त लगता है एकदम। ये देखिए ऐसी सर्विसिंग होता है दिल खुश हो जाता है मतलब एकदम। तो भाई अपनी गाड़ी सर्विसिंग हो गई, अब थोड़ा भैया एक राउंड चला कर देखेंगे कि कैसा लग रहा है, तो अभी जा रहे टेस्ट ड्राइव करके आते हैं, फिर इनसे पूछते हैं कि कैसा है। चला के लेकर आए तो अच्छा लगा, अब क्या ना थोड़ा सा चला के देखते कैसा दिख रहा है। बाकी तो मज़ा आ रहा चलाने में, भैया जी चला लिया, आप चला लिए तो मतलब फुल चेक ही है। अब हम भी एक बार चला के हम देख लेते हैं कैसा चल रहा है एक बार। कुछ फर्क पहले तो बहुत डिफरेंस आया, पहले चैन का जो पूरा जो मेन था ना चैन का साउंड वो पूरा चला हो गया है, या एयर फिल्टर हो गया है, डिस्क पैड ब्रेक सब क्लियर हो गया है, इसका वगैरह मतलब बहुत सही आ रहा है इसका, फ्रंट डिस्क भी अब काम करने लग गया वाला। भाई अपनी गाड़ी हो गई एक नंबर हो गई, एकदम चकाचक हो गया गाड़ी एकदम। तो अपना सर्विसिंग हो गया, अच्छा हो गया, सब चीज़ अच्छा था, चीज़ सही स्टार्ट हो गया, मस्त हो गया। अब ना कहीं से भी हम लॉन्ग राइड पे जा सकते हैं, मस्त एकदम जलाएंगे, एकदम दबा के फुल थ्रोटल में बाइक चलाएंगे अब जाने का, मतलब अभी राइड वगैरह का चल रहा है, अभी देखते हैं नेक्स्ट राइड अभी कहाँ पे जाएंगे, बट लेकिन मज़ा आएगा चलाने में। और ये मेन क्या था ना कि हमको इसका चैन का डर लग रहा था, क्योंकि चैन अगर मतलब कुछ हो गया ना तो फिर बड़ा मतलब बड़ा फटका पड़ता, क्योंकि चैन इसका बहुत महंगा आता है, चैन स्पॉकेट वगैरह, तो चैन वाला काम सबसे इजी हो गया, क्योंकि वो कि टाइम पे। और चैन क्या है ना, हाँ कैसे भाई लोग इन लोग, तो ये अपने भाई लोग इन लोग की वजह से थोड़ा अच्छे शूट हो गया, थैंक यू ब्रो, मस्त मतलब सही हो गया, स्टार्ट हो गया। अभी कहाँ पे जा रहे हो? अभी हम प्रमोट करने के लिए जा रहे हैं। कहाँ पे? राइडर ही कहाँ पे है? ये अपने पूरे इंदौर में सबसे ज्यादा मतलब राइडिंग गेयर्स जो है कलेक्शन, सबसे अल्टीमेट राइडर जंक्शन पे ही है। तो ये देखिए मतलब अच्छा है कि भाई लोग प्रमोशन के लिए जा रहे हैं, मतलब इसी बाइक की भी स्ट्रॉम की है, हर गाड़ी पे आपको वहाँ पे वो मिल जाते हैं एक्सेसरीज, हेलमेट वगैरह सब चीज़ें, जैकेट फुल गियर सब। अरे तो बताना हमको भी आना वहाँ पे, मतलब देखेंगे वहाँ पे, हमको हेलमेट वगैरह का जरूरत भी है हमको, ठीक है। भाई को
डू सब्सक्राइब डू लाइक करियो भाई को। ठीक है मिलते हैं भाई, ठीक है बाय बाय। तो भाई लोग जा रहे थे तो हम सोच रहे थे एक और हेलमेट लेने के लिए, ऑलरेडी मेरे पास दो हेलमेट है, एक मोहित और आयुष को दे दिए क्योंकि उनको ज़रूरत था, तो एक और हेलमेट हम ले लेंगे। तो गाइज मतलब सब चीज़ अच्छा हो गया, आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको सर्विसिंग कराना हो तो खंडवाल सुजुकी के पीछे में आप देख लीजिएगा, और यहाँ पर सर्विस अच्छा है और क्या मतलब ऐसा हम नहीं बोल रहे, ऐसा वीडियो में आप देख लीजिएगा कि वीडियो में किस तरह से सर्विस में दिया गया और किस तरह से क्लीन किया गया, वो बहुत अच्छा, और स्टाफ वगैरह सारे बहुत ही हेल्पफुल है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकते क्योंकि अभी हमको जाना है, थोड़ा सा लेट हो रहे हैं हम भी, तो अभी हम जाते हैं बाइक लेकर और जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।